हाँ तो भाई लोग कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज का दोस्तों जो वीडियो है किस तरह से होने वाली है। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप कन्फर्मेशन के लिए बता दूँ कि इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए एडिट करके लाया हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको इस वाले वीडियो को थोड़ा सा आपको ध्यान देकर देखना होगा, बिकॉज इस प्रकार के वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सिर्फ एक फोटो का जरूरत पड़ेगा, जिस फोटो की मदद से आप इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो गाइस जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए VN वीडियो एडिटर ऐप का यूज करूंगा। अगर साथियों आपके फ़ोन में VN वीडियो एडिटर ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना साथियों ऐप का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर इस वाले प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर सेट कीजिएगा। यहाँ पर साथियों आपको फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाना होगा। देन गाइस अभी आपका यहाँ पर जिस भी फोल्डर में फोटो है उस वाली फोल्डर को दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन करना होगा, और यहाँ से गाइस आपका जो फोटो है आपको यहाँ पर सेट करके टाइमलाइन पर ले आना होगा। मैं साथ हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर नीरज भाई की इस वाली फोटो को सिलेक्ट किया हूँ। अब साथ हूँ आपको यहाँ पर ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को क्लिक कीजिएगा, आपका जो वीडियो गाइस यहाँ पर सही फॉर्मेट में आ जाएगा। अब गाइस डबल फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से आप अपना जो फोटो है उसको आप यहां पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छे से एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको यहां पे जो एफएक्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। यहां पर साथ ही आपको ये ब्लैक या फिर व्हाइट जो भी आप रखना चाहते हैं इसको आपको सेट करना है, और इसका जो लेंथ है गाइस जितना आपका फोटो का लेंथ होगा इस टाइप से बढ़ा के आप उतना करके आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब साथ ही आपको यहाँ पे अपनी फोटो का यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाना होगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाके ये जो VN का वाटर मार्क है इसको आपको एडिट करके हटा देना है। अब साथ ही आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आना होगा। यहाँ पर गाइस आपको एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके। अब साथ ही आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर साथ ही मैंने एक वीडियो का लिंक दे के रखा है, यानी जो लाइट इफेक्ट वाला वीडियो है उस वाले वीडियो को अभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके टाइमलाइन पर लाना होगा। लाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में अगर खोजोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को पहले फुल स्क्रीन में करना है। अब साथ ही आप यहाँ पर जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप स्क्रीन को सेट कर दीजिएगा, इससे दोस्तों ये वाला वीडियो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका स्टेप वन का काम यहाँ पे लगभग होने ही वाला है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। अब साथ ही वापस आपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आना होगा, एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर आपको इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड करके लोड कर लेना है। लोड करने के बाद साथ ही आपको यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में कीजिएगा, और इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ बढ़ा के 100% कर दीजिएगा। अब जितना गाइस इस वाले वीडियो का लेंथ होगा उतना ही आपको अपने वीडियो का जो लेंथ रखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर दिया हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर घटा देता हूँ। घटाने के बाद साथ ही अभी आपको इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप नीचे में अगर खोजोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखेगा क्रोमाकी वाला ऑप्शन, आपको क्रोमाकी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको ब्लू कलर के ऊपर रखना है, उसके बाद आपको ओके प्रेस यहाँ पर कर देना है। अब दोस्तों आपके स्टेप वन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई कहाँ से हुआ कंप्लीट, यहाँ पर तो फोटो दिख ही नहीं रहा है। स्टेप टू में गाइस मैं आपके लिए वो वाला काम करके दिखाऊंगा। तो गाइस आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके 1080 FPS को 60 और बिटरेट को पूरा हाई में रख के अपना जो वीडियो एक बार एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मेरा जो वीडियो सेव हो चुका है। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं सेव करके बाहर आता हूं, वापस से इसी वाले प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके जो मैंने वीडियो बनाया है उस वाले वीडियो को मैं वापस से ऐड यहां पर कर दूंगा। ऐड करने के बाद साथ ही आपको यहाँ पर एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके वापस से आप फोटो वाले ऑप्शन पर जाइएगा। जाने के बाद साथ ही आपका जो फोल्डर है आपको यहाँ पर ओपन करके उसी वाले फोटो को आपको अगेन सेलेक्ट करना है।
अब दोस्तों ये जो फोटो है इसको बड़ा करके कुछ इस तरह से ये नीला बॉक्स है इसके ऊपर आप अच्छे से यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। अब दिख नहीं रहा तो इसको अच्छे से आपको दिखाना है, ठीक है। इसका जो लेंथ है गाइस आप बड़ा जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना कर लीजिएगा। साथ ही में जो बी एन का वाटर मार्क है इसको अभी आपको एडिट करके हटाना है। अब साथियों आपको अपने वीडियो का यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाना होगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग तरफ में आप यहाँ पर आइएगा, नीचे में अगर खोजोगे तो आपको यहाँ पर एक फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करके वीडियो को ऊपर वाले लेयर पर लाना है। वापस से आप वीडियो पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में कर देना है। अब गाइस ये जो ब्लू स्क्रीन है सॉरी ग्रीन स्क्रीन है इसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रोमाकी वाले ऑप्शन में जाके इसके ऊपर आप यहाँ पर रख दीजिएगा। अब दोस्तों आपका जो वीडियो फाइनली रेडी हो गया है। अब मैं अगर अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मेरा वीडियो दिखेगा, देख सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप इस टाइम पे इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सेव करना आपको आ ही गया है, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ कि शेयर पर क्लिक करना है 1080 FPS को 60 और बिट रेट को अपने हिसाब से रख के अपना जो वीडियो आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। आई होप गाइस आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। कुछ भी अगर आपका सवाल हो तो जल्दी से टाइप करके कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा, नमस्कार।